सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा सामने आया है। समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, हालांकि आशंका इसी बात की जताई जा रही थी कि इस्तीफा उनका कुछ एक दिनों में सामने आ सकता है, क्योंकि इससे पहले पार्टी और मंत्री पद से राजकुमार आनंद का जो इस्तीफा है उसे लेकर खबरें इसलिए भी निकलकर सामने आ रही थी कि ईडी का छापा पड़ा था घर पर। उसके बाद कह रहे थे कि जो आरोप लगातार लग रहे हैं उनसे वो नाराज हैं, आहत हैं। सर बंधुओं को मेरा नमस्कार, मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था, उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा होगी। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं SC ST का भी मंत्री हूँ, समाज कल्याण मंत्री भी हूँ, अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ होना जायज है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि बात यह नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूं, हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, हम सब का एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कब इस्तीफा भेज दिया? हाँ, मैंने इस्तीफा। सर आपको क्या लगा कि आप इस्तीफा देने की वजह क्या? अभी तो मैंने बताया,
लेकिन अचानक ऐसे समय में इतने वो दिया है जबकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव करूंगा। देखिए ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती, आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले तो राजकुमार आनंद को आप यहां पर सुन रहे हैं, मानव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। मानव कह रहे हैं राजकुमार आनंद, आहत हूं नहीं रहना, जिस मकसद के साथ आम आदमी पार्टी आई थी वो मकसद दूर दूर तक नजर नहीं आता, किसी का सम्मान नहीं है, भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी और भ्रष्टाचार में ही लिप्त नजर आती है। सियासी तौर पर कानूनी तौर पर बहुत बड़ी मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए, पहले से एक और बड़ी मुसीबत। बिल्कुल, देखिए सभी ना हमारे दर्शकों को इसमें दो से तीन चीजें और समझनी होगी कि राजकुमार आनंद को नवंबर 2022 में मंत्री बनाया गया था, उसके बाद नवंबर 2023 में उनके यहाँ पर ईडी के छापे पड़े थे और उसके बाद से ही लगातार खबरों से एक तरीके से राजकुमार आनंद गायब थे। आज उन्होंने मीडिया को अपने आवास पर बुलाया, वहां पर उन्होंने खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो खुश नहीं है। साथ ही आम आदमी पार्टी में जो दलित या जो पिछड़े वर्ग के जो नुमाइंदगी करने वाले उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ये बात भी उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में बकायदा बोली है और ये कहा है कि इससे वो बहुत आहत हैं। आम आदमी पार्टी जो राजनीति बदलने की बात करती थी वो अब उन पद चिन्हों पर चलती हुई दिखाई नहीं देती है, उस राह पर चलती हुई दिखाई नहीं देती है और मैं इस चीज को लेकर बहुत आहत हूं, बहुत चिंतित हूं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप